Want to close back up tight, get up, hoodie on, hard work at the crack of dawn. This life ain't. कुछ लोगों को पुरानी गाड़ी पसंद आती है या फिर कुछ लोगों को पुरानी गाड़ी. हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम बैक टू चैनल फुल थॉट 9 पर. तो आज मेरे पास द क्लासिक एवरग्रीन हीरो ग्लैमर 100. बात करेंगे इसके प्राइस रेंज, इसके फीचर्स, इसके सारे कलर ऑप्शन गाड़ी. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रोहन ऑटो राइडर्स. अगर आपको भी हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो या फिर उसके रिलेटेड ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लेनी, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप जाके कॉन्टैक्ट करके बहुत सारी मदद ले सकते हैं. नाउ स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, मीट द एवरग्रीन क्लासिक हीरो ग्लैमर 125. तो सबसे पहले मैं इसका प्राइस आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ. मतलब देखो यार, दो वेरियंट अवेलेबल है. स्टार्ट हो रहा है आपका 85,000 से, गोज 89,000 जो कि आपका दिस वाला वेरिएंट है. सो फ्रंट से वही क्लासिक हेडलाइट जो कि अभी वापस आ गया है. एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3D का H लोगो देखने को मिल जाएगा. उसी के नीचे आपको हेडलाइट सेक्शन में आजकल ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, आपका नॉर्मल हैलोजन बॉल है. फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है. ब्लिंकर्स आपके आजकल नॉर्मल ही हैं. बोथ साइड में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है विथ सिंगल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम एंड विथ कॉम्बी ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम. मतलब देखो, ठीक है, ये दो पाइप्स हैं कॉम्बी ब्रेक के लिए. सो ये कलर आप सभी को कैसा लग रहा है? इस कलर का नाम है कैंडी ब्लेजिंग रेड. वैसे तो इसके टोटल 3 कलर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है. इसका जो कलर है, इसका जो वाइब है, बहुत ही डिफरेंट है. सेकेंड वन इज स्पोर्ट्स रेड ब्लैक एंड थर्ड वन इज टेक्नो ब्लू ब्लैक. सो गो टू नियर शोरूम, चेक आउट ऑल दी कलर्स. इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है एंड इस बाइक का जो वेट है वो 122.5 kg है. व्हील बेस 267 mm का है. सीट हाइट आपका 790 mm का है. इंजन की अगर हम बात करें, फ्रेश डिजाइन BS7 इंजन है विथ फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी. पावर पीएस की अगर हम बात करें तो ये इंजन 10.7 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, साथ साथ 10.4 Nm टॉर्क. सो इंजन का पावर डिलीवरी एंड पिकअप, ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड के दौरान ही शेयर करने वाला हूँ. ये चीज़ पुराना था, अभी फिर से एड ऑन किया गया है. फ्रंट में आपको 18 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं. फ्रंट में आपको जो टायर मिल रहा है ये आपका MRF की तरफ से, जो कि ट्यूबलेस टायर है. अगर इसका साइज़ के रिगार्डिंग में बात करूँ, जो कि 80x100 का है एंड इसका जो डिस्क आप देख रहे हैं ये आपका 240 mm का है. डिस्क ब्रेक कैलिपर आपका बाइब्री की तरफ से, जैसा कि मैं आप सभी से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. इसमें आपको CBS मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको दो पाइप्स नज़र आएंगे जो कि CBS के लिए काम करता है. जैसे आप पिछला ब्रेक यूज़ करेंगे तो रियर एंड फ्रंट दोनों ब्रेक एट ए टाइम काम करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है मेरे हिसाब से. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक कुछ इस तरीके का है, जो कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा. सिंपली इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन आप सभी को पसंद आएगा. यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा. जैसे आप मोड पर क्लिक करते हैं आपको ओडो, ट्रिप ए, साथ साथ ट्रिप बी एंड यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलेगा. ऊपर आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है एंड इस साइड में आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है. तो आप ऑन द गो अपना पावर बैंक या फिर मोबाइल दोनों चार्ज कर सकते हैं. स्विच सेक्शन का लुक कुछ इस तरीके का है. इसमें आजकल ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है. पास लाइट का स्विच है, ये रहा आपका हाई बीम लो बीम का स्विच, उसके नीचे टर्न्स का स्विच है एंड उसके नीचे हॉर्न का स्विच है. डिसेंट सी हॉर्न है. इस साइड में आपको ITS का स्विच देखने को मिल जाता है, उसके नीचे सबस्टार्ट का स्विच है. फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर है एंड ये जो ग्लैमर का स्टिकर आप देख रहे हैं ये आपका 3D में है. सो इसमें आपको टोटल 5-speed गियरबॉक्स सेटअप देखने को मिल जाता है विथ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर. साथ साथ इसमें आपको सेंटर स्टैंड भी मिल रहा है एंड चेन कवर भी. ये रहा आपका सारी गार्ड एंड लेडीज़ फुट रेस्ट. यहाँ पर आपको हीरो की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्टिकरिंग, उसके नीचे ITS का स्टिकरिंग है. एक छोटा सा चेंजेस किया गया है. ये जो देख रहे हैं ये पार्ट आपका क्रोम वाला है एंड रियर में आपको वही स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है. एग्जॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, मतलब डिज़ाइन में शायद. एंड थोड़ी देर में अपन सुनने वाले हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा क्या है. सो रियर में आपको 18 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं. रियर में आपको जो टायर मिल रहा है ये भी आपका MRF की तरफ से ही है, जो कि ट्यूबलेस टायर है. अगर इसके साइज की गाड़ी में बात करूँ, जो कि 80x100 का है. सो रियर से गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके का है एंड इसमें आपको सिंगल ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है विथ सिंगल सीट. सीट का कम्फर्ट एंड हैंडलिंग, ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड के दौरान ही शेयर करने वाला हूँ. तो अभी मैं आप सभी को इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ, देन विल राइड दिस न्यू मशीन. तो इसका एग्जॉस्ट नोट वैसा है या फिर कुछ चेंज हो गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. चलिए इसका इनिशियल पिकअप चेक करते हैं कैसा क्या है. ओके, इनिशियल पिकअप बहुत ही डिसेंट है, लेकिन अगर आप स्विच कर रहे हैं स्प्लेंडर से ग्लैमर को तो आपको हल्का सा फील हो सकता है पावर.
वन टू थ्री फोर फाइव। सो क्लच इसका बहुत ही स्मूथ है एंड गियर अप करने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, साथ साथ डाउन करने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हैंडल आपको हल्का सा डिफरेंट वाइब प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो रहते हैं ना हैंडल के बार एंड में लगते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको मिरर हल्का सा ब्रॉडर फील देगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सीट के बारे में बात कर लेते हैं। सीट इसका नाइस एंड सॉफ्ट है एंड हैंडल आप देख सकते हैं मैं ऐसे ऐसा बैठा हूँ, ना कि ऐसा या फिर ऐसा, सिंपल। आपको यार कम्यूटर गाड़ी है तो सिंपल ही रहेगा ना, जैसे अंकल बैठे हैं आप देख सकते हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसका ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, ब्रेकिंग रेस्पॉन्स कैसा क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। एंड इसमें आपको जो मैनुअल करने का जो स्टाइल है ना बहुत डिफरेंट रहेगा, मतलब देखो ऐसे मैं पूरा कपड़ा मैनुअल कर सकता हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ईजी टू हैंडल बाइक है ये एंड बहुत ही स्मूथ है। तो हम बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में। सबसे पहले मैं रियर ब्रेक का बाइक चेक करूंगा और उसके बाद फ्रंट का ब्रेक, देखते हैं कैसा क्या है। ओके, सो रियर ब्रेक का जो बाइट है वो क्रिस्प है एंड रेस्पॉन्स टाइम भी ठीक ठाक है क्योंकि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक वाला ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। फ्रंट का ब्रेक भी देख लेते हैं कैसा क्या उसका रेस्पॉन्स है। वो सो बाइक बहुत ही क्रिस्प है एंड रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही क्विक है, इससे मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ, आप भी होने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, सस्पेंशन देखेंगे, साथ साथ इसका ओवरऑल स्टॉपिंग पावर। तो देखो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स लोग, मतलब देखो ये गाड़ी मुझे पता है जनरेशन वाइज ये चेंज होता है, लेकिन कोई भी हमारे बुजुर्ग लोग ये गाड़ी खरीदते हैं तो उनको ब्रेकिंग के बारे में हल्का सा नॉलेज रहना चाहिए, जो कि आप भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि CBS, IBS, UBS नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, कमी ब्रेक वाला, ठीक है। रंबल्स आ गए, सस्पेंशन देख लेते हैं कैसा क्या है। ओके, क्वाइट स्मूथ एंड मेरे पीछे पिलियन भी है तो मुझे पता चल रहा है सस्पेंशन कैसा है उसका रेस्पॉन्स, बहुत ही स्मूथ है। ग्लैमर का मतलब ही यार फूल, तो फूल की तरह काम करता है ये। वैसे तो आजकल ज़्यादा कोई आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जितना भी है एक कम्यूटर गाड़ी के हिसाब से सही है। जैसे चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, ऑन द गो आप अपना मोबाइल या फिर पावर बैंक दोनों चार्ज कर सकते हैं। कुछ सेफ्टी फीचर्स भी हैं, देख सकते हैं आईथिस ऑन है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहले जो मेजर आपका सेफ्टी नोट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो क्या है। मान लीजिए आपने बाइक ऐसे कहीं पे पार्क किया हुआ है, सपोज कीजिए, ठीक है, आप सिंपली आते हैं ऐसे चाबी लगाते हैं एंड स्टार्ट करके भाग जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। आप देख सकते हैं आपको दिखा रहा है साइड स्टैंड ऑन है। सो सिंपली आपको साइड स्टैंड हटाना है, देन यू आर गुड टू गो। तो ये वाला सेफ्टी फीचर आप सभी को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ओवर स्टॉपिंग पावर कैसा क्या है। तो जैसा कि आपने देखा बाइक एकदम रुकी गई, तो ओवर स्टॉपिंग पावर से आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। तो एक चीज़ कॉमन है यार, मतलब कंपनियां गलती करती है लेकिन उसके बाद अगर वो दोहराई जाती है ना तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आता है, क्योंकि ग्लैमर में बहुत से चेंजेस हुआ लेकिन कुछ लोगों को वो पुराना लुक चाहिए था, तो कंपनी ने उसको नज़रअंदाज नहीं किया, उसके ऊपर काम किया एंड उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश की। आई होप कि ये लोगों को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि जिन लोगों को ये क्लासिक लुक चाहिए तो वो चाहिए चाहिए भाई, नो मैटर व्हाट। सारी चीज़ें आपको नॉलेज पता होनी चाहिए, अगर डेली कम्युनिकेशन बाइक है तो उस हिसाब से इसका सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छा है। हैंडल ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ज़्यादा वाइड नहीं है, जो कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। ब्रेकिंग भी एकदम ठीक ठाक है, कॉम्बी ब्रेक मिल रहा है। और हाँ, इसका दो वेरिएंट है, एक ड्रम वेरिएंट है उसमें भी कॉम्बी ब्रेक मिल रहा है, ये वाला आपका डिस्क वेरिएंट है इसमें भी आपको कॉम्बी ब्रेक मिल रहा है। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। So that is it for today guys, I hope you like the video, just like, comment, share
and subscribe channel for more updates. Till then, respect what you ride. Where all the gears meet in this video. Ta-da! Young, hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones. No, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off. Don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot. Shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot. Know my story, I know my boss. I will fight against the clock. Time's a limited gift from God.